नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं शिवानी झा और आप देख रहे हैं विद्या लाइव की हिंदी न्यूज बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 25 अगस्त 2024 को होने वाली महाराष्ट्र गैजेटेड सिविल सर्विसेज कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जाम 2024 को स्थगित किया। ICMAI CMA जून 2024 सेशन की फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के रिजल्ट हुए जारी। रेलवे में निकली 1376 पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास छात्र कर सकते हैं अप्लाई। आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 25 अगस्त 2024 को होने वाली महाराष्ट्र गैजेटेड सिविल सर्विसेज कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जाम 2024 को स्थगित कर दिया है। स्टूडेंट्स के विरोध के कारण MPSC ने यह निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के पुणे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की मांग है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 258 पोस्ट के लिए परीक्षा MPSC के माध्यम से ही किया जाए, साथ ही IBPS की परीक्षा जो कि 25 अगस्त को ही निर्धारित है, इस वजह से क्लैश होने की वजह से भी इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही थी। इन्हीं सभी कारणों के चलते स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे थे। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ICMAI CMA जून 2024 सेशन की फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल हुए स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICMAI द्वारा कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA के इंटरमीडिएट और फाइनल सेशन की परीक्षाओं के रिजल्ट आज घोषित कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट ICMAI.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने पैरामेडिकल के 1376 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो छात्र इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। फॉर्म अप्लाई केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ पदों के लिए छात्रों के पास 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए मास्टर डिग्री, BSc, डिप्लोमा या बैचलर डिग्री अनिवार्य है। विशेष जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही शिक्षा से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहे विद्या लाइव के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और हाँ, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। आप अपने सुझाव और शिकायत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।